ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी वेलकम यू टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, साल के आखिरी हफ्ते में आप सब लोगों का स्वागत है। बिल्कुल सही कहा आपने आल्फ्रेड, हम साल के आखिरी हफ्ते में आ गए हैं। देखते ही देखते ये साल खत्म हो गया है, पता ही नहीं चला। देखो कितनी परेशानियां आई, प्रॉब्लम्स आए, अलग अलग चीजें आई, बीमारियां आई, फिर भी खुदा ने हमें अपनी बड़े रहम, बड़ी कृपा, बड़ी दया से, अनुग्रह से साल का आखिरी हफ्ता भी दिखा दिया। जी बिल्कुल, और इसलिए बहुत जरूरी है कि इस आखिरी हफ्ते में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, दिल से परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। बिल्कुल सही कहा रेबेका, धन्यवाद के अलावा आप क्या दे सकते हैं उसको, शुक्रिया और धन्यवाद ही है हमारे दिल में, बिकॉज प्रभु ने क्या क्या ना किया हमें हमारे लिए पूरे साल। जी धन्यवाद करना बहुत जरूरी है, और साथ ही बहुत जरूरी है कि हम और भी कुछ दें परमेश्वर को, और भी कुछ। जी, और वो है हमारा बेस्ट। जीवन के हर क्षेत्र में बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर को अपना बेस्ट दें, चाहे वो हमारा समय है, चाहे वो हमारे फाइनेंसेस हैं, चाहे वो हमारे स्किल्स एंड टैलेंट्स हैं। और बेका क्या है कि हम तो चाहते हैं अपने लिए बेस्ट रखें, प्रभु के लिए जो बच जाता है ना वही देना चाहते हैं हम। हमें अपना ही अपना चाहिए, अपना बटोरना है, प्रभु को देखी जाएगी बाद में, ऐसा सोचते हैं लोग। क्यों तरीका हम अक्सर ऐसा करते हैं, और ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि जब हम परमेश्वर को अपना बेस्ट देते हैं तब हम ये दर्शाते हैं दैट वी वैल्यू गॉड मोस्ट इन आवर लाइफ एंड दैट वी लव गॉड, कि हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं, तब हम ये दर्शाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर को अपना बेस्ट दें। बिल्कुल, आई फुली एग्री विद यू दर्शकों, बिल्कुल सही कहा रेबेका ने, वी हैव टू गिव आवर बेस्ट सो दैट वी कैन शो गॉड दैट हाउ मच वी लव हिम, कि प्रभु को हम कितना प्यार करते हैं। वाकई इन तूफानों में से, इस पूरे साल के तूफानों से एक माजी है जिसने हमें निकाल कर यहाँ तक पहुंचाया है, है ना रेबेका? और आज इस माजी का हम धन्यवाद करेंगे और शुरुआत करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ जो हमारे लिए लेकर आए हैं सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च अलीगढ़ की कॉयर, और ये गीत है बढ़ता चला चल माझी। आइए दोस्तों इसे सुने। जो गीत आप सुनने जा रहे हैं इसके बोल हैं माझी रे, एंड ये सॉन्ग लिखा है मिस्टर सी वनवीर ने, लिखा एंड कंपोज दोनों चीज़ उन्होंने ही करी है। जब हम छोटे थे तो हमारी चर्च कॉयर इस गाने को गाती थी, एंड जब भी मैं इस गाने को और हम लोग जितने भी लोग हैं इस गाने को सुनते थे बहुत फैसिनेट होते थे। इस गाने की ब्यूटी ही ऐसी है, इसके वर्ड्स एंड इसकी कंपोजिशन, थोड़ा उन्होंने इंडियन स्टाइल में इसको टच दिया है, बिकॉज आज की डेट में हमारी जनरेशन इंडियन स्टाइल को भूलती जा रही है बहुत ज़्यादा। तो इस गाने का जो ब्यूटीफुलनेस है, जो एस्थेटिक्स है, वो एक पूरा एक इंडियन स्टाइल में, क्लासिकल स्टाइल में दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि इस गाने को गा के जिस तरह से हम सबको आशीषें मिली हैं, आप सबको भी उसी तरह प्रभु परमेश्वर आशीषें।
कितना अच्छा लगता है जब हम सुबह की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ और हमने जाना कि परमेश्वर हमारा माझी है। बिल्कुल, अगर प्रभु हमारा माझी नहीं होता तो शायद हमारी नैया बहुत पहले डूब जाती, और वो है हमारा माझी और वो हमें साहिल तक तोड़ तक जरूर पहुंचाएगा, ये उसका वादा है। जी बिल्कुल, और इसलिए जीवन में जितने भी तूफान आए हम डरे नहीं, क्योंकि वो हमारी नैया को पार लगाएगा और वो ही हमारा साहिल भी है। तो दोस्तों, आप डरे नहीं, घबराए नहीं, चाहे जीवन में कितनी भी तकलीफ और मुश्किलें क्यों ना आए। और अभी मेरे ख्याल से कोई ऐसा एक लाइफ स्टोरी दिखाना चाहते हैं हम दर्शकों को, वो है रागी फिलिप का, कि कैसे वो जर्नलिस्ट थे 22 साल तक और अचानक उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। क्यों छोड़ी, कैसे छोड़ी और किस वजह से छोड़ी, आइए मिलते हैं इनसे। जब रागी रामलिंग स्वामी एक छोटे बच्चे ही थे तब उनके गांव में सूखा पड़ा और उनके पास अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उस समय मेरी दादी की बहन मरियम्मा मिरियालगुड़ा में थी। सागर बांध के कारण वहाँ काफी पानी होता था, वहाँ के सारे खेत हरे भरे होते थे। हमारा संघर्ष देखकर मेरी दादी ने हमें मिरियालगुड़ा बुला लिया और मेरे पिता हम सबको लेकर वहाँ चले गए। कुछ ही दिनों में रामलिंग स्वामी ने कुछ ऐसा देखा जो उनके गांव से बिल्कुल अलग था। वहाँ के लोग बहुत अलग थे, वहाँ दिन रात प्रार्थनाएं होती थी पर मैं उनसे दूर ही रहता था। मेरे कजिन्स मुझे चर्च के अंदर बुलाते थे लेकिन मैं पीछे जाकर बैठता था। जब वे गीत गाते और वचन पढ़ते तो मैं सब कुछ ध्यान से सुनता था, और दो या तीन हफ्ते बाद मैं वहाँ सामने जाकर बैठने लगा, गीत गाने लगा। मैं तालियां बजाता था, ड्रम्स बजाने लगा और मैंने गाना गाना सीखा, यहाँ तक कि मैंने बाइबल पढ़ना भी शुरू कर दिया। जल्द ही रामलिंग स्वामी को एक मसीही सभा में जाने का मौका मिला। वहाँ जो वचन सुनाए गए उन्हें सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दिया। जब मैं वचन सुन रहा था जिसमें कहा गया है कि उचित समय यही है, उद्धार का दिन यही है, जब मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे लगा कि मुझे उद्धार की जरूरत है क्योंकि मैं पाप में जी रहा हूं और मैं नरक में जाऊंगा। फिर परमेश्वर ने मुझसे बात की और मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। कुछ सालों बाद फिलिप की शादी हो गई और परमेश्वर ने उनके लिए आंध्र ज्योति अखबार में काम करने के लिए दूसरा दरवाजा खोल दिया। इस तरह परमेश्वर ने मेरे बिजनेस में आशीष दी। मैंने पत्रकारिता में कोई गलत काम नहीं किया और मैं ईमानदार रहा।
फिलिप ने लगभग 22 सालों तक अखबार के साथ काम किया, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सेवा करो, तुम मेरे लिए बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने उनसे सवाल किया कि अगर मैं अपनी नौकरी छोड़कर आपकी सेवा में आ जाऊँ तो क्या कोई मुझे पैसे देगा? मुझे अपने 4 बच्चों की देखभाल करनी है, उनकी शादी करनी है। मुझे अंदर ही ये महसूस हुआ कि अभी तो हर जगह लोग मेरा सम्मान करते थे और मुझे डर था कि बाद में मुझे ये मान नहीं मिलेगा। हालांकि फिलिप ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और उनकी सेवा में लग गए, पर अपने जीवन पर परमेश्वर के हाथ वो देख सकते थे। 2013 में मैंने अपना स्टूडियो बेच दिया, अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और राजनीति छोड़ दी। मैं लोगों से कहूंगा कि मैंने अपना जीवन परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया और इससे मुझे बहुत शांति मिली। मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और उनकी सेवा के लिए कदम बढ़ाया और उन्होंने आज तक मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा। मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। मैंने अपने बच्चों की शादियाँ की, बल्कि उनके बच्चों की भी शादियाँ करवाई। परमेश्वर ने मुझे वो सब कुछ दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। कितना अच्छा लगा रागी फिलिप जी से मुलाकात करके, कैसे इतने अच्छे प्रोफेशन में वो थे और इतने साल उन्होंने काम किया, लेकिन अचानक से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। एक चीज़ गौर करने की बात है, रागी फिलिप जी ने अपना अच्छी जॉब जो भी छोड़ी, पर जो संतुष्टि जो उनको मिली प्रभु की सेवा करने में और लोगों की सेवा करने में, उसके तो चेहरे को देखना चाहिए था कि कितने संतुष्ट है और कितना जॉयफुल है कि उनको अपने जीवन का मकसद मिल गया। जैसे पर हमने देखा कि ये संतुष्टि गिविंग से आई है, जब उन्होंने परमेश्वर को अपना सब कुछ दे दिया, अपना जीवन ही दे दिया, अपना समय दे दिया, अपने फाइनेंसेस दे दिए, अपना करियर परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया, सब कुछ। जब व्हेन ही गेव ही रिसीव्ड, और जो उन्होंने रिसीव किया वो है कंटेंटमेंट और संतुष्टि। बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही एक और छोटा बच्चा था जी, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह बहुत लंबा सर्मन दे दिया उन्होंने और बहुत सारे लोग आए हुए थे, 5,000 लोग थे, उसके अलावा औरतें बच्चे और बेशुमार भीड़। और ऐसी भीड़ और ऐसे लोग प्रभु के वचन के लिए भूखे थे कि खुदा का कलाम सुनने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह के जो वचन थे ना वो जीवन थे, तो लोग अपने आप अट्रैक्ट हो जाते थे और प्रभु यीशु मसीह बोलते गए और लोग बिल्कुल जैसे दीवाने हो गए उनके वचनों के लिए। और वहाँ जब बैठे हुए तो देखा शाम ढलने लगी और प्रभु यीशु मसीह ने सोचा यार इनको खाना तो खिलाना चाहिए। अब शिष्यों ने कहा भाई कहाँ जाएंगे, कहाँ केटरिंग करेंगे? जैसे हम जब शादी के टाइम हम देखते हैं कैसे केटरिंग में इधर उधर भागते हैं लोग, 1,000 लोग, 200 लोग, 300 लोग, कहाँ केटरिंग कराएंगे? अरे इतने लोगों को कौन इंतजाम कराएगा? तो वहाँ ने कहा पता करो। तो वहाँ गए तो शायद एक बच्चा, उसकी मम्मी ने एक टिफिन शायद बांधा होगा उसके लिए, 5 रोटी और क्या था उसके साथ, और 2 मछलियाँ। हाँ तो उसने अपने पास रखा होगा छुपा के कि इधर उधर ढूंढ रहे हैं किसी के पास खाना है, किसी के पास खाना है। तो फाइनली इस लड़के ने शायद निकाला होगा अपना टिफिन और प्रभु के एक शिष्य ने देखा, उसने कहा आओ प्रभु को जरूरत है इसकी। तो लड़के ने सोचा गया मेरा टिफिन थोड़ा सा है, मुझे भूख लग रही है। उसने कहा नहीं आ जाओ। तो वो लड़का भी बड़े रिलक्टेंटली, मेरे ख्याल से छोटे बच्चे हैं ना, छोटा बच्चा क्या समझेगा, वो लेके चला गया अपना टिफिन। और वहाँ उस मुबारक चेहरे को देखा होगा, उस दया से भरी हुई आंखों को देखा होगा, वो प्रभु यीशु मसीह के मुबारक होंठों को देखा होगा जिससे वो बात करते हैं। और वो लेके प्रभु यीशु मसीह ने जो भी था उस लड़के के पास, ऐसा लगता है कि उसने कुछ अपने पास एक रोटी भी नहीं रखी, सब कुछ पूरा टिफिन दे दिया। और जब दे दिया प्रभु ने बरकत दी उस पे, धन्यवाद दिया और 5,000 से भी ज्यादा लोगों ने तृप्त हो गए, दे वर फुल्ली सैटिस्फाइड, और 12 टोकरे भी बच गए। मेरे अजीजों जब हम देते हैं ना प्रभु को, प्रभु बहुतायत से आशीष देता है और हमें अपना पूरा सरेंडर करना पड़ता है। बिल्कुल इब्राहिम भी ऐसी था, वो खुदावंद ने कहा, परमेश्वर ने, कि तू अपने बेटे को कुर्बान कर दे। चला गया वो, चला गया उस पहाड़ी पे और बेटा भी हैरान कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं करने के लिए सेक्रीफाइस, कहाँ है वो जानवर? अपने बेटे को इसने बांध दिया उस पे। फिर खुदा ने कहा मैंने देख लिया इब्राहिम, मैंने देख लिया तू मुझसे कितना प्यार करता है, मत मार अपने बेटे को। वहां पे एक रैम रेडी था और वहां पे कुर्बानी दी फिर उसने। मेरे अजीजों शायद जिंदगी में आपके भी ऐसे टेस्ट आ रहे हैं जब परमेश्वर कहता है दो, पर आप कहते हैं नहीं दूंगा, दो नहीं दूंगा, प्रभु कहता दो, दोगे तो तुम्हें मिलेगा। मेरे अजीजों अगर आप भी हिचकिचा रहे हैं, आप भी परेशान हैं, संतुष्ट नहीं है, लगता है कि कुछ चीज ऐसे रोक रही है आपको, कोई ऐसा आइडल आ गया है
कुछ ऐसी मूरत आपके अंदर आ गई जो प्रभु और आपके बीच में आ गई, दे दीजिए। अपना हाथ ऐसे मत रखिए, ऐसे रखिए ताकि आप दे दें प्रभु को। दे दीजिए सब कुछ प्रभु को, और प्रभु आपको बहुतायत से जो आपके समझ के बाहर है ऐसी आशीषें देगा, स्वर्ग के झरोखे खोल देगा आपके लिए। आजमा के देखें प्रभु कितना भला है, कितना अच्छा है और कितनी आशीषें आपको देना चाहता है। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। दूसरा करिन्थियों 9:7, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। देखा दर्शकों क्या लिखा है परमेश्वर के अनंत काल के वचन में, गॉड लव्स अ चीयरफुल गिवर। कुड़कुड़ा के मत दीजिए और अपना बचा के मत दीजिए, परमेश्वर जब मांगता है तो दीजिए, क्योंकि सब कुछ तो उसी का है। रबेका, एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम, दीजिए उसको चीयरफुली दीजिए और देखिए प्रभु क्या बड़े बड़े काम करेगा आपके जीवन में। दोस्तों क्या आज कुछ ऐसा है जो आपके और परमेश्वर के बीच में आ रहा है? शायद आपका करियर, शायद आपकी एम्बिशन, आपके फाइनेंसेस, या शायद आपकी फैमिली और बच्चे। तो आज हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे ताकि आप जो कुछ भी ऐसा है उसे आप परमेश्वर को सरेंडर कर दें। क्यों ना आप हमें कॉल करें, हमारा नंबर है 9910401010। हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहेंगे ताकि परमेश्वर आपके जीवन में वो परिवर्तन लाए जिससे आप भी अपना बेस्ट परमेश्वर को दें। बिल्कुल सही। और अगर वो अपनी रिक्वेस्ट व्हाट्सएप से भेजना चाहते हैं या वॉइस मैसेज से भेजना चाहते हैं, आप वो भी करिएगा, हम वेट कर रहे हैं आपके मैसेजेस के लिए। और दोस्तों अब समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद हम CBN फाउंडेशन द्वारा बनाए गए जॉय बॉक्सेस के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे आप इस नेक काम में उनका साथ दे सकते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कि हमें परमेश्वर को हमेशा अपना बेस्ट देना है। और अब समय है कि हम CBN फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस साल वो बना रहे हैं जॉय बॉक्सेस जरूरतमंद बच्चों के लिए। जॉय बॉक्सेस जी, तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जैसे उस छोटे बच्चे ने अपना टिफिन जो दिया प्रभु के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में, और इतने लोगों को आशीष मिली ही gave sacrificially and a joy of sharing and giving उसने दिखाया जी। और वो छोटा टिफिन बॉक्स became a joy box for हजारों लोगों के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही opportunity हम अपने दर्शकों के लिए भी लेकर के आए हैं ताकि वो भी इस joy of giving and joy of sharing को experience कर सकें। दोस्तों जब आप इन joy boxes को sponsor करेंगे तो बहुत सारे जरूरतमंद बच्चों के चेहरे पर हंसी आएगी, मुस्कुराहट आएगी, खुशी आएगी उनके जीवन में। तो दर्शकों आइए देखते हैं इसके बारे में और जानते हैं कि क्या चीज है ये जॉय बॉक्स और कैसे आप इसमें शामिल हो सकते हैं। आइए देखते हैं एक छोटा प्रोमो।
कितना अच्छा लगा ना? बहुत ही अच्छा। ये जॉय बॉक्स कितने सारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएगा, स्पेशली इस समय जब लोग तंगी से गुजर रहे हैं और काफी फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, तो शायद माँ बाप इन परिवारों में अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे होंगे। कितना अच्छा कि सीबीएन फाउंडेशन ने इसे इनिशिएट किया है और अब बच्चों को ये गिफ्ट्स मिलेंगे तो वो कितने खुश हो जाएंगे। अरे बहुत खुश होंगे मेरे अजीजों, मेरे दर्शकों, प्लीज जॉइन इन एंड ब्रिंग जॉय टू मेनी मेनी चिल्ड्रन। यस, प्लीज डू दैट। एंड फ्रेंड्स, वी एनकरेज यू टू एसोसिएट योरसेल्फ विद सीबीएन फाउंडेशन। इस नेक काम में आप इनका साथ जरूर दें और ऐसा करने के लिए आप इनकी वेबसाइट को जरूर विजिट करें। इनका एड्रेस है www.cbnf.org। यहाँ पर आप ऑनलाइन स्पॉन्सर कर सकते हैं इन जॉय बॉक्सेस को, ताकि बहुत सारे बच्चे इस साल के अंत में खुशी को एक्सपीरियंस कर पाए। बिल्कुल सही कहा रेबेका। और अब हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद दर्शकों हम जल्दी से वापस आएंगे, आपके मैसेजेस को पढ़ेंगे और जो बेस्ट पार्ट है प्रोग्राम का, हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। आप इसका इस्तेमाल कब तक करेंगे? प्रार्थना को मौका दीजिए, आप आज ही हमें कॉल कीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ देंगे। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि हमेशा हमें परमेश्वर को अपना बेस्ट देना है। बिल्कुल सही कहा रेबेका, व्हेन वी गिव आवर बेस्ट टू द लॉर्ड, ही डज द रेस्ट फॉर अस। जी बिल्कुल। और दोस्तों बहुत जरूरी है कि हमेशा अपना बेस्ट परमेश्वर को दें, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं हम दर्शाते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम उन्हें वैल्यू करते हैं अबव एवरीथिंग एल्स इन आवर लाइफ, और हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं। दर्शकों अब समय आ गया कि हम आपके लिए प्रार्थना करें और आपके मैसेजेस को पढ़ें। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आए हैं और कई लोग बड़ी तकलीफों में हैं, और हमें बड़ी खुशी है कि अपना दिल खोलकर अपना बोझ आप हमसे बांटते हैं। पहला मैसेज जो आया हमारे पास वो है जैसी से, और जैसी यूं कह रही है, हमारे घर से दुख तकलीफ और गरीबी दूर हो जाए और मेरे पति नशा छोड़ दे, इसलिए प्रार्थना कीजिए। जैसी हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर बर्डन विद अस। थैंक यू जी। और एक और मैसेज हमें भेजा है संदेशा ने, और ये कह रही है, कृपया मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, हम सब बहुत तकलीफ में हैं। मेरे पापा बहुत शराब पीते हैं, और मेरे भाई के लिए भी प्रार्थना करें ताकि वो उनका हृदय परिवर्तन हो, हम सब बहुत परेशान हैं। संदेशा, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर मैसेज विद अस ऑन व्हाट्सएप, और हम जरूर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पापा के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आप सब परमेश्वर के और नज़दीक आए, परमेश्वर के प्रेम को जाने, और जो भी जीवन की तकलीफें हैं वो दूर हो जाएं। आइए रेबेका प्रेयर करते हैं। दर्शकों हम सर झुकाएंगे और आंखों को बंद करेंगे और ये तकलीफें, ये प्रॉब्लम्स अपने स्वर्गीय पिता के सामने लाएं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि जब तकलीफ और ये तूफान, ये परेशानियाँ एक तूफान की तरह हमें घेर लेती हैं प्रभु जी, तो आप हैं वो माझी जो हमें इन तूफानों में से, उन लहरों से उठाते हुए आप हमें साहिल तक पहुंचाते हैं। प्रभु जी हमें कोई गम और खौफ और डर नहीं, क्योंकि आप हमारे कैप्टन हैं, आप हमारे माजी हैं। प्रभु जी जसी के लिए, संदेशा के लिए, और भी जो लोग बड़ी तकलीफ और गरीबी या परेशानी में हैं, या जो भी आर्थिक चैलेंजेस हैं प्रभु जी, आप सब जानते हैं, सब जानते हैं। कई चीज़ें प्रभु जी हम बोल भी नहीं सकते, वो भी आप जानते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप इन पे मदद करें, दया करें, इस परेशानी से निकालें उस परिवारों को प्रभु, फिर से सुखी और खुश और शांति भरे उन परिवारों में प्रभु जी। और हमारे दर्शक लोग जो देख रहे हैं प्रभु जी, उन सब के लिए दुआ करते हैं कि अगर वो भी इन परेशानियों से गुजर रहे हैं, ये तूफानों से प्रभु जी वो भी जूझ रहे हैं प्रभु जी, वो जाने की और अपना ईमान आप पे लाए कि आप सच्चे माजी हैं जो उनको निकालेंगे उन तूफानों से और उन प्रॉब्लम से। खुदावन दया कीजिए, आप दया सागर हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। मेरे अजीजों हमने आपके लिए प्रार्थना करी है, और प्लीज आप हिम्मत मत हारिए, निराश ना होइए। परमेश्वर ने आपका हाथ थामा हुआ है, वो आपको इस प्रॉब्लम से जरूर निकालेगा, सचमुच निकालेगा।
और दोस्तों आइए अब हम आगे बढ़ें और देखें कि हमें अपने मन को कहाँ लगाना चाहिए। परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है। दोस्तों कितना अच्छा वचन है ना जो हमें बता रहा है कि जहाँ हमारा धन है वही हमारा मन है। परमेश्वर इस बात को जानते हैं, इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि धरती पर तो जो धन हम बटोरते हैं, जिसे बड़े संभाल के हम रखते हैं, अपने बच्चों को भी देना चाहते हैं, ये वो धन है जिसे कीड़ा या जंग या चोर नष्ट कर देते हैं। चोर इसे चुरा के भी ले जाता है। तो क्यों ना हम अपने धन को स्वर्ग में इकट्ठा करें, जहाँ ना कोई कीड़ा उसको नष्ट करता है, ना उसको जंक लग सकता है, ना ही उसको चोर चुरा सकता है। क्योंकि जब हम अपने धन को स्वर्ग में इकट्ठा करेंगे तो हमारा जो मन है वो भी परमेश्वर की ओर आएगा, परमेश्वर की ओर आकर्षित होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप भी अपने धन को इस दुनिया में नहीं इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे पर परमेश्वर के लिए इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। यही तो सीखा हमने रागी फिलिप के जीवन से, कैसे उन्होंने अपना सब कुछ समर्पण किया प्रभु की ओर और आज कितने संतुष्ट हैं, कितने खुश हैं। और उस छोटे लड़के के बारे में भी हमने देखा कि जब उसने अपना सब कुछ दे दिया, अपना टिफिन दे दिया, तो कितने हजार लोगों को आशीष मिली और तृप्त हुए वो लोग। क्या है आपके पास जो आप रोक रहे हैं? पूरा साल लगभग खत्म होने वाला है, पूरा साल अगर अभी भी कुछ आपने रोक के रखा है दे दीजिए, प्रभु के नाम में दे दीजिए और देखिए प्रभु आपको कैसे बहुतायत से आशीष देगा। गिव योर बेस्ट एंड सी द ग्रेट थिंग्स गॉड कैन डू फॉर यू। और अपना बेस्ट देने के लिए दोस्तों अगर आप इंकरेजमेंट चाहते हैं, प्रार्थना चाहते हैं, तो हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे CBN प्रेयर लाइन नंबर पर जो है 9910401010। हमारे प्रेयर वॉरियर्स इंतजार में रहते हैं कि आपके फोन कॉल्स आए, आपके मैसेजेस आए और आपके लिए प्रार्थना करें। और दोस्तों इसी तरह आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को देखते रहें, इसे सराहते रहें। और अगर आप किसी भी एपिसोड को दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप CBN इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। अब हमारे जाने का समय तो हो गया है, तो अजीजों मिलेंगे कल। खुदा आप सब लोगों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।